बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में एक नए खुलासे ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर शेल्टर होम की 11 लड़कियों की हत्या की आशंका जाहिर की है। सीबीआई का आरोप है कि मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है। जांच एजेंसी ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक शमशान घाट से एक जगह की खुदाई की गई, जहां से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अति करीबी ब्रजेश ठाकुर ने सीएम के संरक्षण में 34 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार करवाया, उसके बाद 11 बच्चियों को मारकर गाड़ दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।